नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा नेट पैटर्न लाई हूँ जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसे जैकेट में, कोटी में, शॉल में, स्टॉल में, श्रग में, फ्रॉक में, स्कार्फ में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें फंदे कम लगते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन फैलता है, तो आप जिस भी प्रोजेक्ट में इसे डालेंगे तो 10-12 फंदे कम पड़ेंगे। हमें अपने प्रोजेक्ट में 10-12 फंदे कम डालने होंगे क्योंकि ये डिज़ाइन फैलता है, तो कम फंदे में ही हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, तो डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें इवन नंबर में कोई भी फंदे चाहिए, जैसे 20, 24, 36, 48, 60, यानी 2 से कटने वाले कोई भी फंदे हमें चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन मैं इसी के ऊपर बनाऊंगी, आप इसे पहली लाइन समझें। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर दो फंदों को हम दाहिनी सिलाई में चढ़ा लेंगे और फिर दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहले उनको अपनी तरफ कर लेना है, फिर दो फंदों को दाहिनी सिलाई में लेना है और फिर दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेना है। उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को दाहिनी सिलाई में लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा। पहले हम जाली डालने के लिए ऊन अपनी तरफ कर ले रहे हैं, फिर दो फंदों को एक साथ लेके बैक लूप से एक सीधा फंदा बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो फंदों को एक कर रहे हैं, यानी एक फंदा घट रहा है और यहाँ जाली देने से एक फंदा बढ़ जा रहा है, यानी हमारे फंदे बैलेंस हो जा रहे हैं। पहले हम उनको अपनी ओर करते हैं, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। उन अपनी तरफ, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए, उन हमारी तरफ है यानी हम जाली भी दे रहे हैं और दो का एक भी कर रहे हैं। उन हमारी तरफ है, दो फंदों को एक साथ ले रहे हैं, हम जाली भी दे रहे हैं और दो फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बुनते हुए दो का एक भी कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। और लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे। देखिए ऊन हमारी तरफ ही है और फिर इसको सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। पहले हम ऊन सिलाई में चढ़ाकर अपनी तरफ लाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक। यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा भी रहे हैं और एक फंदा घटा भी रहे हैं। पहले हम जाली देंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। पहले जाली देंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। ऊन हमारी तरफ ही है और फिर ऊन को सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ ही लाना है। दो फंदों को एक साथ लेना है,
जाली देते हुए उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेना है। उन सिलाई में चढ़ाकर अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो और फिर इन्हीं दोनों लाइनों को हम ऊपर ऊपर दोहराते चले जाएंगे और ये पैटर्न बनता चला जाएगा। दो ही लाइन का ये डिज़ाइन है और इन्हीं दोनों लाइनों को पूरे स्वेटर में हमें दोहराना है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।